रायबरेली के तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के दिशा निर्देशन में रायबरेली बछरावा पुलिस द्वारा एक और ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया गया। आपको बताते चले कि 25 मार्च को बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहंगो बड़ी नहरिया के पास तेंदुआ जंगल के नाले में एक युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया था। जिस मामले में उच्च अधिकारियों द्वारा टीम गठित कर सर्विलांस की मदद से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अभी दो की तलाश जारी है। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। जनाब राम खेलावन आकर के थाने पे एक तहरीर दिए कि उनका बड़ा भाई भारत जो 22 तारीख को शाम 8 बजे से राम सजीवन के साथ गया था अभी घर नहीं पहुंचा है। पुलिस ने इस सूचना पर समुचित धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर भारत लाल की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया। उस टीम का नेतृत्व हमारे सीओ महाराजगंज ने किया था और इंस्पेक्टर बछरावा उसमें इनका सहयोग कर रहे थे। हमारी सर्विलांस की टीम लगी और स्वाट की भी टीम लगी, स्थानीय पुलिस भी लगी। उसमें कुल मिलाकर के जो घटना वर्कआउट हुई है उसमें ये आया है कि भारत लाल ने 2004 में एक मर्डर किया था यागेश्वर उर्फ मटरू का, जो राम सजीवन का भाई था। राम सजीवन ने उसी का बदला लिया और उसमें इसका सहयोग कौशल ने दिया था। कौशल चूंकि एक हफ्ते पहले कौशल की लड़ाई भारत से हुई थी तो इस घटना में वो भी शामिल था। तो सभी ने प्लान करके इसको ले जा करके सहंगों के जंगल, जो तेंदुआ का जंगल बोला जाता था, वहाँ रात को शराब पिलाया और पांच लोग इसमें थे, उन्होंने इसका मर्डर किया और सबको छिपाने के लिए बगल नाले में छिपा दिया। हम लोगों ने तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया है, सैलेन, राम सजीवन और कौशल को। दो लोग वांछित हैं जो राम सजीवन के रिश्तेदार हैं, दुर्गेश और प्रेम, और इनके साथ जो तलवार, जो मृतक को मारने में तलवार जो यूज हुई थी वो बरामद हो गई है, डंडा बरामद हो गया है और मृतक ने जो सोने की जंजीर पहनी थी वो बरामद हम लोगों ने कर लिया है। तीन लोगों को आज अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं और प्रेम, दुर्गेश वांछित चल रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही उनको गिरफ्तार करके हम लोग भेजेंगे।